I have the absolute right to do national emergency if I want. ये उसी दीवार की तस्वीरें हैं जो इस वक्त अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। विवादों का लंबा दौर है लेकिन कोई फैसला नहीं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति को भी फिलहाल इस दीवार ने लाचार कर दिया है और इसलिए अमेरिका मेक्सिको सीमा पर ट्रंप ने अपना आखिरी वार करने का मन बना लिया है। इस मांग को लेकर खंटू की मीटिंग, कई बार के ट्वीट्स, विरोधियों से समझौते की पेशकश और राष्ट्र के नाम संबोधन, सब कुछ तो कर चुके ट्रंप, लेकिन कामयाबी कहीं मिलती दिखाई नहीं दी। तो आखिरकार वो कह दिया जिसको लेकर फिलहाल तो अमेरिका ही सबसे ज्यादा डरा हुआ है। जी हाँ, बात इमरजेंसी की। इससे पहले कि आपको इस डर की वजह बताएं, अमेरिका मेक्सिको सीमा के बारे में जान लीजिए। खुद ट्रंप सरकार को इस दीवार बनाने के लिए तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये दीवार 1,000 मील लंबी होगी, यानी तकरीबन 1,600 किलोमीटर की। ये दीवार 20 फीट ऊंची और जमीन के अंदर 5 फीट गहरी होगी। इसकी चौड़ाई 10 फीट होगी और हर स्क्वायर फुट पर तकरीबन $40 खर्च होंगे। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका में गतिरोध जारी है, यहाँ तक कि आंशिक रूप से वित्तीय कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ट्रंप सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल चाहती है क्योंकि खर्चों के लिए पैसों की अनुमति न मिलने से लगातार 3 हफ्तों से हजारों संघीय कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी गई है। और इन सारी बातों के बीच अगर इमरजेंसी लगी तो यकीन मानिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिलेगा।